नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। देश में कई ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो अपने काम के कारण चर्चा में बने रहते हैं। इस वक्त आईपीएस सचिन अतुलकर का नाम काफी चर्चाओं में है, क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एएसपी बनाया गया है। इससे पहले वो सबसे कम उम्र के डीआईजी बनी थी। सचिन अतुलकर पुलिस महकमे में काफी जाना पहचाना नाम है। उन्हें उनके काम और फिटनेस के लिए जाना जाता है। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त है। इनकी फिटनेस के आगे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी फेल हो जाते हैं। उन्हें सबसे हैंडसम पुलिस ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। सचिन अतुलकर सिर्फ 22 साल की उम्र में आईपीएस बन गए थे। आपको बता दें कि वो इतने बिजी शेड्यूल में भी अपनी फिटनेस को रेगुलर टाइम देकर एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम राज खोलते हैं उनके फिटनेस के बारे में और साथ ही बात होगी उनके डाइट प्लान के बारे में भी। सचिन अतुलकर हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें वो सभी बॉडी पार्ट को शामिल करते हैं। इसके अलावा वो योग और मेडिटेशन भी करते हैं, जिससे उन्हें दिमाग को शांत रखने में काफी मदद मिलती है। हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत वो चेस्ट और ट्राइसेप्स से करते हैं। हफ्ते के दूसरे दिन वो बैक और बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हैवी वजन उठाते हैं। तीसरे दिन वो पैरों की एक्सरसाइज या फिर कार्डियो करते हैं। चौथे दिन वो शोल्डर एक्सरसाइज करते हैं और साथ में एब्स की एक्सरसाइज भी शामिल होती है। पांचवे दिन वो बॉडी के वीक पार्ट पर अधिक फोकस करते हैं और उनकी एक्सरसाइज करते हैं। छठवे दिन या तो वो लेग्स एक्सरसाइज करते हैं या फिर स्लो कार्डियो करते हैं। सातवें दिन यानी रविवार को वो आराम करते हैं ताकि बॉडी रिकवर हो पाए। समय के मुताबिक वो अपने इस वर्कआउट प्लान को बदलते रहते हैं। वैसे आपको बता दें, उनको साइकिलिंग का काफी शौक है। अगर उन्हें समय मिलता है तो वो साइकिलिंग भी करते हैं। इसके अलावा पैदल चलना भी उन्हें अच्छा लगता है। मौका मिलने पर वो पैदल भी खूब चलते हैं। जब वो उज्जैन के एसपी थे तो महाकाल की शाही सवारी में पैदल ही चलते थे। इसके अलावा भी उन्हें कई मौकों पर पैदल चलते हुए देखा गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनके डाइट प्लान के बारे में। सचिन अतुलकर फिटनेस इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गया है। उन्हें सालों की मेहनत के बाद ये पता चल गया है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं। डाइट की इस नॉलेज से अच्छा खाना खाकर उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया हुआ है। वो अपनी डाइट में हाई प्रोटीन फूड का सेवन करते हैं और घर का खाना ही पसंद करते हैं, जिसमें रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी, नट्स, फल, प्रोटीन शेक ये सब शामिल होते हैं। आपको बता दें, अतुल नॉन वेजिटेरियन हैं और फिश, अंडे, चिकन खाना भी पसंद करते हैं। वो फ्रूट सैलेड और वेजिटेबल सैलेड भी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि वो दिन में फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड खाएं। खुद को हाइड्रेट रखने के मामले में वो 6 से 7 लीटर पानी कम से कम पी लेते हैं, यानी वो एक दिन में 6 से 7 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं, जिससे कि उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो। तो देखा दोस्तों आपने, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आईपीएस सचिन अतुलकर अपनी फिटनेस का कैसे ध्यान रखते हैं। वाकई में आईपीएस सचिन अतुलकर आज के हमारे फिटनेस इंस्पिरेशन है और यंगस्टर्स को उनसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेना चाहिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही कई अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।